प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज़। सागर वीना में चलती ट्रेनों में चढ़कर अवैध वेंडर बेच रहे खाना, यात्रियों की सेहत और जान के साथ हो रहा है खिलवाड़। प्लेटफॉर्म पर अधिकृत लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध होने से अवैध वेंडर होम सिग्नलों पर सक्रिय हो गए हैं। होम सिग्नल पर ट्रेनों की रफ्तार धीमी होते ही अवैध वेंडर स्लीपर से लेकर एसी कोच में चढ़कर खाना बेच रहे हैं। कई दिनों से यह अवैध कारोबार चल रहा है, इसके आरपीएफ इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रही है। इससे यात्रियों के सेहत और सुरक्षा को भी खतरा है। रेलवे सूत्रों ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर सख्ती के चलते बाहरी लोग अवैध रूप से प्लेटफॉर्म पर खान पान का सामान नहीं भेज पा रहे हैं। ऐसे लोगों ने ट्रेनों में खाना भेजने के लिए नया तरीका निकाला है। ट्रेनों में अवैध रूप से खान पान का सामान बेचने वाले स्टेशन आने से पहले होम सिग्नल पर जैसे ही ट्रेन की गति धीमी होती है वह ट्रेनों में चढ़ जाते हैं। एक वेंडर ट्रेन में चढ़ जाता है और दूसरा उसे खाने के पैकेट से भरा थैला थाम देता है। बाद में यह लोग ट्रेनों में अवैध रूप से खाना बेचते रहते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि अवैध वेंडर खुलेआम स्लीपर से लेकर एसी कोच में सवार होकर खाना बेच रहे हैं। इस बात की भनक आरपीएफ को तक नहीं है, जबकि कोरोना संक्रमण के दौरान में बिना मेडिकल परीक्षण के प्लेटफॉर्म पर भी ठेकेदारों के वैध वेंडर को भी खान पान का सामान बेचने की इजाज़त नहीं है। ऐसे दौर में बाहरी लोग ट्रेनों में खाना बेच रहे हैं, इससे न सिर्फ यात्रियों की सेहत बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए भी खतरा है, क्योंकि इससे आपराधिक घटनाओं का डर हमेशा लगा रहता है। नियमानुसार एसी कोच में यात्रियों के साथ कोच अटेंडर के अलावा भी व्यक्ति को जाने की इजाज़त नहीं होती है, परंतु वीना स्टेशन पर एसी कोच में ये लोग खुलेआम घुस रहे हैं। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अवैध वेंडर के संपर्क कहां तक होंगे। ट्रेनों में इस तरह अधिकृत लोगों के प्रवेश से आपराधिक घटनाएँ होने का खतरा रहता है, बावजूद इन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। सागर वीना से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।